सो वेलकम टू यू ऑल तो फाइनल स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आज रीमर टाइमॉ रिएक्शन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स है और डेफिनेटली uh, हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ये रीमर टाइम रिएक्शन जो कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का और इससे पहले भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन मतलब uh, कर चुके हैं तो आज बात करेंगे फिनॉल की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज रीमर टाइमॉन रिएक्शन ठीक है तो अगर मैं डायरेक्टली एक लाइन में ये कहूं रीमर टाइमॉन रिएक्शन तो फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और के साथ, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है सिंपल uh, एक लाइन में अगर आपसे पूछता है तो आप मतलब ये कहेंगे कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वासे इड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन ठीक है अब अपने एनसीईआरटी में रिएक्शन को लिखता है थोड़ा एक दो स्टेप और कैसे लिखता है, वो वो है देखिए फिनॉल फर्स्ट स्टेप में आपका क्या करेगा फिनॉल का रिएक्शन ऐसे लिखेगा सी एच सी एल थ्री लिखेगा एक्वस एन ठीक है और यहां बना देगा एक कंपाउंड दैट इज ओ एन ए इस तरीके से बना देगा कंपाउंड ठीक है और यहां जो है सी एच सी एल टू एक तरह का इंटरमीडिएट ये बना के देगा आपको ठीक है फर्स्ट स्टेप में फिर क्या करेगा इस, इसको नोट करें स्टेप को इस स्टेप के बाद वो क्या करेगा यहां से एनएवएच एड करेगा इसमें प्रेजेंस ऑफ एन एव तो आपको कंपाउंड बना के देगा इस तरीके से दिस इज ओ एन ए और यहां होगा सी एच ओ ये बना के देगा सेकेंड ठीक है और इसमें फिर एक स्टेप और ये लिखता है एनसीईआरटी में एसिडिफिकेशन यानी कि H प्लस तो उस केस में क्या हुआ यहाँ पर एन हटेगा दैट इज ओ एच और यहाँ क्या लग जाएगा सी एच ओ तो दिस इज फाइनल रिएक्शन विच इज डिस्क्रिप्टेड इन यू एन सी आर टी बुक किस तरीके से ओ OH एच होगा फिनॉल क्लोरोफॉम एन एच के साथ ये बनेगा इंटरमीडिएट ओ एन ए और सी एच सी एल टू और फाइनली एन एच के साथ बना के ये बना देता है और एसिडिफिकेशन के बाद यहाँ से एन ए हट के एच लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका सेलिसिलडीहाइट ठीक है हालांकि ये Aldehyde, आपका बेन्जीन के ऊपर सी एच ओ होता है तो बेंजेलडीहाइड यहा टू हाइड्रोक्सी बेनजेडीहाइड इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मतलब सो दिस इज रिमा रिएक्शन ठीक है बोर्ड लेवल के लिए इट इज इनफ अगर आपको सिंपली ये पता हो कि रिमा टाइमॉन रिएक्शन क्या है तो आप सीधे सीधे इस कोई मतलब इ... इनिशियल क्या होता है फिनॉल और मतलब बनता क्या सैलिसलडीहाइड कैसे बनता क्लोरोफॉर्म एनएच के साथ ये स्टेप लेता बट फाइनली एक्चुअल में होता कैसे इसको होने के लिए देखते हैं थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज ये मतलब देख लेते हैं रिएक्शन तो उसको नोट करें रिएक्शन होगा कैसे देखो पहली चीज क्या है फिनॉल अपने पास है दिस इज फिनॉल ठीक है बिल्कुल नोट भी बिल्कुल नोट्स भी मतलब बनाते रहें ठीक है हर स्टेप के साथ देखो अब फिनॉल में क्या होगा इसको हम ट्रीट किससे करेंगे एनएवेज के साथ एन के पास ओ OH है यहाँ से एच खींच लेगा वाटर बाहर आ जाएगा मीन्स माइनस एच और अपने पास एक ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन क्या बन जाएगा फिनोक्साइड आयन

एन के साथ अगेन एन हमने यूज किया यहाँ पर ठीक है फिर से क्या होगा ये वाला एच अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से निकल जाएगा एच यहाँ से ओ तो बाहर क्या माइनस एच टू ठीक है वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आया क्या बन गया कार्बन देखिए कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन देखे गया हाइड्रोजन तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया दिस इज सी एल दिस इज सी एल एंड दिस इज सी एल ठीक है अब देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्जेबल है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो उसके इसमें क्या होगा ये सी जो है यहां से निकलेगा ठीक है इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा सीएल जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो जैसे यहां से सीएल निकला मैं इसको लिख रहा हूं माइनस सी निगेटिव तो क्या बचा अब आप आपके पास ये देखिए कार्बन अब यहां से इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल चुका है कार्बन के पास क्या बचे केवल दो सी और दो इलेक्ट्रॉन डॉट तो इसको बोलते हैं बच्चों डाई डाईक्लोरोबीन क्या बोलते हैं इसको डाई डाईक्लोरोबीन दिस इज डाईक्लोरोबीन जो कि इलेक्ट्रोफाइल और यही इसी का मेन रोल है देखिए अब इसके अंदर देखिए कार्बन के पास एक दो एक दो दो इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुए चार एक इलेक्ट्रॉन है पांच छह ये क्या है सिक्स इलेक्ट्रॉन है इसके ऑप्टिक में तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है हालांकि ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ठीक है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है न्यूट्रल है और यही आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल है तो रिमेट एमान रिएक्शन में दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ठीक है अब ये करेगा अटैक किसके ऊपर इसके ऊपर ये किसके ऊपर ही करेगा अटैक इसके ऊपर आइए बात करते हैं अगले स्टेप के अंदर इसको नोट हाँ, नोट करें अगले स्टेप में क्या होगा देखिए मैं लिख रहा हूं रिएक्शन ये आपके पास था फिनॉक्साइड ओ नेगेटिव ठीक है अब क्या होगा ध्यान से इस चीज को ये मतलब समझना है आपने इसका रिएक्शन किससे ये कर रहे हैं सी सी एल टू इसको

क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको मतलब यहां दे दिया तो यहां क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया अब देखिए अब यहां पर नेगेटिव आया तो इस ये कार्बन इससे जुड़ गया तो ये कार्बन सी और यहां पर क्या लग गया सी एल ये सी एल अब इसने अपने ये देखो ये यह यहां पर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन यहां आए हुए थे इसने इसके साथ ये मतलब बॉन्ड बनाया ये न्यूट्रल स्पीसीज थी इसलिए कार्बन पे क्या चार्ज आ गया नेगेटिव बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक है और आपको पता है कि इस रिंग के अंदर हर जगह पे क्या होता है हाइड्रोजन होता है क्या होते हैं यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी ठीक चाहिए। चाहिए? है इलेक्ट्रॉन तो रिंग, रिंग में दे देगा और यहां से एच प्लस की तरह मतलब निकल जाएगा रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा ये पाइबॉन्न फिर से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से कौन निकला एच प्लस बगल में कार्बन के पास माइनस है तो वहां पे ये चले जाएगा बहुत ध्यान से ये समझे इसको इस स्टेप को कि यहां पर H, H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो इसकी आर्मेटिसिटी रिंग की फिर से, 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 से कार्बन पे दो स्टेप है इसको से अब क्या फिर से ये आपका रिंग बनी अब देखिए तीनों बॉन्ड बन गए मतलब रिंग की एरोमेटिसिटी गेन हो गई अब ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल पे ओ पे फिर से क्या आ गया स्टूडेंट नेगेटिव आ गया यहां से एच जाके एच जुड़ चुका है और बाकी दो सी आपके ऐसे ही कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आगे चलते हैं देखिए थोड़ा सा आगे चले इसके बाद आगे चलते हैं अब ये जो स्पीसीज हमारी फॉर्म हुई इसके ऊपर अटैक होगा दो मोल्स एनएच का किसका दो मोल एनएच अब यहां से एनए आ गया तो यहां से दो सीएल एक सी एल ये निकला एक सीएल ये निकला यहां से दो एन निकले तो बाहर क्या आ गया माइनस टू एन और दो ओ एच इस पे जुड़ गए बस सिंपल है बहुत ध्यान से ये देखेंगे तो दिस इज बैंजियन रिंग ये हो गया सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर क्या था कार्बन इस कार्बन से स्टूडेंट एक तो यहाँ पर सी निकल के क्या दो आ गए क्लियर है अब एक रिंग पे कार्बन पे दो ओ एच ग्रुप है जो कि बहुत अनस्टेबल है तो आप क्या करते हैं जब भी आपको एक कार्बन पे दो एच ग्रुप निकल जाए तुरंत क्या देखते हैं वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं चलो इसको यहीं पर भी लिख देते हैं माइनस ऑफ एच टू

तो यहां से एच प्लस जैसे गया इस एच प्लस ने यहां अटैक किया और फाइनली आपके पास क्या बन गया प्रोडक्ट वो नेगेटिव था तो यहां पे एच आ गया और यहां पे क्या लग गया सी एच ओ इसी को क्या बोलते हैं तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मतलब मैकेनिज्म किसका रिमर्ट आईमान रिएक्शन का फिर से एक बार इसको रिकॉल भी कर लें देखिए सबसे पहले फिनॉल था अपने पास फिनॉल ने एनवे से रिएक्ट किया तो यहां से एच निकला यहां से ओ एच फिनोक्साइड आइन फिर क्लोरोफॉर्म पर भी एनएमएस ने रिएक्ट किया तो ये बनी स्पीसीज कार्बन पर नेगेटिव था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके खींच के ये गया एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट हुआ दैट इज डाईक्लोरोबिन जो कि न्यूट्रल स्पीसीज है छह इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशियट है तो अब क्या हुआ कि इस फिनोक्साइड के ऊपर इसने अटैक किया तो ये बना इसके एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ये इधर गया तो ये स्पीसीज हुई फिर एनएमएस से रिएक्ट करा दो सीएल के बदले दो ओ OH फॉर्म हो गए जैसे दो ओ एच देखे वाटर का मॉलिक्यूल आपने क्या किया मतलब रिमूव किया तो वाटर अगर ये रिमूव किया तो ये बन गया एसपी फाइनली आपने एसिडिफिकेशन किया तो ओ नेगेटिव की जगह एच आ गया तो फाइनली यू गॉट योर प्रोडक्ट सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिमा टाइम ऑन रिएक्शन आपको समझ आता है तो ठीक है एक दो बार इसको प्रैक्टिस मतलब करिए इसको अपनी कॉपी में ऐड भी मतलब कीजिए अगर फिर भी नहीं आता है तो आप सिर्फ वन स्टेट वन लाइन का जो रिएक्शन है वो मतलब याद करें कि फिनॉल से क्लोरोफॉर्म और एन एवच कहता से, से रिएक्ट होके एक सेलिसहाइड फॉर्म होता है सेकेंड वन इस रिएक्शन को ध्यान से देखें और फाइनली नोट कर लें कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट इज डाइक्लोरोबिन होता है और दिस इज योर फाइनली रिमेटाइमॉन रिएक्शन तो वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसलिए आज हम इसी रिएक्शन को कर रहे हैं तो इसी रिएक्शन का खूब करिए मतलब प्रैक्टिस इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको मतलब मिल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके इंपोर्टेंट रिएक्शन है उन रिएक्शन के साथ सो टिलन थैंक यू एंड है नाइस डे